ओह माय गॉड, तो मैं अपने आप को चाटे क्यों मार रही हूँ? आप लोग यही सोच रहे होंगे। तो मैं कर रही हूँ अपने फेस पे टैपिंग, जो कि थोड़ा सा तेज करना है, लाइक चाटा मारने जैसा। तो इससे है ना, मेरी स्किन जो है एक्सट्रीम लेवल पे ग्लोइंग हो जाती है, बिल्कुल नेचुरल सा ब्लश दिखने लगता है चेहरे पे। तो ये जो मैं टैपिंग कर रही हूँ, ये आपको लास्ट में करना होता है। तो हेलो, हाय, नमस्ते, आई होप यू ऑल आर गुड। मेरा नाम है काजल सिंह। मैं अपने चैनल पे स्किन केयर और हेयर केयर से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। अगर आप इस तरह की वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, आज का जो फेशियल मसाज है उसको स्टार्ट करते हैं। तो फेशियल मसाज आपके स्किन को दिन पे दिन फॉरएवर यंग बनाएगा। बहुत ही ज़्यादा आप अपने एज से छोटे दिखेंगे। तो सबसे पहले आपको लेना है कोई ऑयल या कोई मॉइस्चराइज़र। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल, सेसमे ऑयल, कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल, या कोई आप फेशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं तो वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले अच्छे से ऑयल को लेंगे, अपने चेहरे पे उसे फैला लेंगे। उसके बाद हम ये मसाज करना चालू करेंगे। तो मसाज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने फॉरहेड से, या आप आईब्रोज पे मसाज कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से दो फिंगर लेनी है आपको, और आपकी जो स्किन है आईब्रो के पास, उसको हल्का हल्का प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ ले जाना है। तो यहाँ पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया हुआ है, लेकिन ये स्टेप सारे आपको बहुत ही जेंटल आराम से फॉलो करने होते हैं। तो उसके बाद इस तरह से दो फिंगर लेके जिगजैग कर लेना है। इससे आपके माथे पे जो फाइन लाइंस आती है, बढ़ती उम्र के निशान दिखने लगते हैं, वो नहीं आएंगे। अगर आ गए हैं तो वो धीरे धीरे चले जाएंगे। इस तरह से आप सर्कल भी बना सकते हैं। मतलब ये दो तीन तरीके से आप अपने फॉरहेड की मसाज कर सकते हैं। अब आपको अपने आँखों पे मसाज करनी है, जो आँखें फ्लफ़ी हो जाती हैं, आई वैक्स बन जाते हैं, या आँखों के नीचे रिंकल्स पड़ने लगते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए आपको इस तरह से आँखों की मसाज करनी है। तो अगेन हम अपने चिक पे मसाज करेंगे, जो चिक हमारे ओवरवेट होने के कारण सैगी हो जाते हैं, या फिर हमारी एज बढ़ने लगती है तो चिक कहीं ना कहीं रिंकल्स चिक पे आने लगते हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं। तो उनको रिमूव करने के लिए ना आपको इस तरह से अपने चिक पे मसाज करनी है। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने दो फिंगर लिया है, दोनों फिंगर को इस तरह से मसाज करना है। और उसके बाद आपको इस तरह से अपने हाथों से मसाज करना है। इससे हमारे जॉ लाइन और हमारे चिक दोनों की मसाज एक साथ होती है। तो अगर आप रात में ये स्टेप फॉलो करके सोते हैं रेगुलर, तो आप देखेंगे दिन पे दिन आपके स्किन जो है ना, हद से ज़्यादा ग्लोइंग, यंग और खूबसूरत होती जाएगी। आपको किसी भी एक्स्ट्रा मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही बहुत सारे महंगी महंगी क्रीमें, जैसे एंटी एजिंग क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, इन सब की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपका जो एजिंग प्रोसेस है वो भी डिले होता जाएगा, आपका फेस फॉरएवर यंग लगेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, ओनली 5 to 7 मिनट में ये मसाज हमारा कंप्लीट हो जाता है। और ये आपको विंटर सीजन में तो हर नाइट कर लेना है। इससे हमारे स्किन जो है ना, बहुत ही ज़्यादा चेंज होती नज़र आएगी आपको। अब जब अगली सुबह आप उठेंगे, स्किन पहली बात तो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, बिल्कुल मक्खन की तरह, क्योंकि इसमें जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, इससे ऑयल हमारे स्किन में डीप तक जाता है और हमारे स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है और मॉइस्चराइज करता है, जो कि पूरी नाइट हमारे स्किन की हीलिंग होती है उसी ऑयल से। तो सुबह आपको आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा फ्रेश, ग्लोइंग और निखरी हुई नज़र आती है। तो सबसे लास्ट में हमें पूरे फेस का मसाज करने के लिए इस तरह से करना है। कुछ टाइम होल्ड करेंगे, देन आप छोड़ देंगे। इससे भी हमारे फेस की एक ही साथ पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो इस तरह से आप अगर करेंगे तो जो आपको लाफ लाइन आते हैं लिप के साइड में, वो धीरे धीरे चले जाएंगे और ये अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर ये आ गए हैं तो आप ये स्टेप फॉलो करेंगे तो ये धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा। और ये देखिए, जब जॉ लाइन शार्प होती है ना, तो हमारा चेहरा बहुत ही खूबसूरत लगता है। जैसे अगर आपको डबल चिन हो गए हैं या फिर जॉ लाइन आपकी मोटी दिखती है, तो आप ये मसाज रूटीन फॉलो कर सकते हैं। अगेन हम यहाँ पे नेक का मसाज करेंगे। नेक पे भी बहुत ज़्यादा फैट जमा हो जाता है या लाइन दिखने लगती है, तो उसको रिमूव करने के लिए आप इस तरह से मसाज कर सकते हैं। अभी आप देखिए मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है मसाज करने के बिफोर एंड आफ्टर, आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अगेन जो आपका ऑयल बचा है ना, सिर्फ उतने ही ऑयल से आप अपने हाथों पे भी हल्का सा अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करेंगे। इससे आपके हैंड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और हाथों पे भी रिंकल्स आने लगते हैं, धीरे धीरे वो चले जाएंगे। तो ये देखिए, बिना कुछ किए, बिना कोई प्रोडक्ट लगाए, बिना कोई फेसियल के स्किन कितनी अच्छी हो गई है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।